देखना है रीजनिंग, जिसमें जो फर्स्ट है वो है स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट किसको बोलते हैं वो देखना है। तो स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस का ही एक टाइप है। सेंटेंस मतलब जो आप लिखते हैं वो एक सेंटेंस होता है, उसका एक टाइप होता है स्टेटमेंट, या बोलते हैं हम लोग उसको प्रोपोजिशन। अब कौन सा स्टेटमेंट सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा, तो ध्यान क्या रखना है कि वैसा कोई भी सेंटेंस जो आइदर ट्रू हो या फॉल्स, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे 7 इज लेस देन 5, 7 इज लेस देन 5 को आप कंफर्म बोल सकते हैं कि ये फॉल्स है, ठीक है, कंफर्म है कि फॉल्स है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। 5 इज लेस देन 8, ये कंफर्म ट्रू है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर आप बोलते हैं राइट डाउन योर नेम, तो ये कोई ट्रू या फॉल्स तो है नहीं, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो कंफर्म ट्रू हो या फॉल्स हो उसको आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब स्टेटमेंट में दो तीन कंडीशन ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो, यानी ऑर्डर वाला हो गया या एडवाइस वाला हो गया, ठीक है, वो स्टेटमेंट नहीं होता। दूसरा इंटरोगेटिव जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता। तो ये सब स्टेटमेंट्स नहीं होगा। बाकी भी आपको देख लेना है क्या कि वो कंप्लीटली या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। दूसरा होता है ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट का। तो ट्रूथ वैल्यू से मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू टी से लिख दीजिए, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका वैल्यू एफ से लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ट्रू, 3 इज एन इवन नंबर इज फॉल्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो दो टाइप होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब सिंगल स्टेटमेंट को सिंपल बोलेंगे, और अगर सिंगल स्टेटमेंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए किसी वर्ड से तो वो कहलाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। और जो कनेक्ट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो इसमें जो आपको मेनली यूज होता है, फर्स्ट होता है कंजंक्शन। तो अगर आप दो स्टेटमेंट्स को, सिंपल स्टेटमेंट्स को एंड से जोड़ दीजिए तो वो कहलाएगा कंजंक्शन, साइन होगा ये। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, पी क्यू दो स्टेटमेंट लिखा था, इसको आप कनेक्ट कर दिए एंड से, तो ये पी एंड क्यू हो गया। इसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन यानी कि वर्ड अगर आप और यूज कर रहे हैं कनेक्टिंग के लिए, साइन हो जाएगा ये। और लिखें कैसे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट और देकर दूसरा स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपको इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या हो गया, तो दो स्टेटमेंट को अगर आप इफ एंड देन से कनेक्ट करते हैं तो वो है इम्प्लीकेशन। जैसे इट रेन्स टूडे, तो इफ इट रेन्स टूडे देन मोहन विल नॉट गो टू स्कूल टूडे, ये इम्प्लीकेशन। साइन नोट होगा इम्प्लाइज का, या एरो देकर आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल। इसमें स्टेटमेंट कनेक्ट होता है इफ एंड ओनली इफ से, साइन होगा दोनों तरफ एरो, या इफ एंड ओनली इफ का जो साइन होता है मैथ में। जैसे पी है क्रॉप्स आर गुड रेन्स आर गुड, तो क्रॉप्स आर गुड इफ एंड ओनली इफ रेन्स आर गुड, तो ये हम लोग कनेक्ट कर लिए किससे, इफ एंड ओनली इफ से। तो ये हम लोग टाइप देख लिया आज, ठीक है।